चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इस गरिमामयी पद पर अपने सेवाकाल का एक वर्ष पूरा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर इनका अब तक का कार्यकाल बेहद शानदार और कई बड़े फैसलों, सुधारों और बदलावों वाला रहा, जिसके लिए इनकी देश भर में खूब सराहना भी हुई। इस पद पर एक साल की अवधि पूरी करने वाले देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक खास बातचीत के दौरान कई बड़ी बातें कही। साथ ही उन्होंने देश भर के जजों को कुछ खास हिदायतें भी दी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालत की अवमानना से जुड़ी कुछ खास बातें कही। उन्होंने कहा कि कुछ गलत फहमियां ये हैं कि अदालत की अवमानना या नियम जजों को आलोचना से बचाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने अदालत की अवमानना का नियम जजों को आलोचना से बचाना नहीं, बल्कि अदालती प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की दखलंदाजी को रोकना है, ताकि न्याय प्रक्रिया बिना किसी रुकावट और बाधा के आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर इसे रोकने, इसमें किसी तरह का अवरोध पैदा करने की कोशिश करता है, अदालत के फैसले को गलत बताता है या फिर अदालत के फैसले का पालन करने से इनकार करता है, तो इसे सीधे तौर से अदालत की अवमानना माना जाएगा और ऐसा करने वाले से उचित तरीके से निपटा भी जाएगा। एक जज के तौर पर करियर के 23 साल और देश के चीफ जस्टिस के तौर पर एक साल पूरा करने वाले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने राजनीति को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अदालतों का काम ये सुनिश्चित करना भी है कि राजनीति अपनी सीमाओं में रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में जज के खिलाफ अपनी राय रखता है, तो उनका व्यक्तिगत तौर से ये मानना है कि ऐसे में अदालत की अवमानना का मामला नहीं बनता। उन्होंने कहा कि अवमानना के नियमों का इस्तेमाल किसी को आलोचना से बचाने के टूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस बात का एहसास, समझ सभी जजों को स्पष्ट तौर से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जजों की प्रतिष्ठा तो उनके कामकाज और उनके दिए गए फैसलों से ही निर्धारित होती है। उन्होंने साथ ही ये विचार भी रखा कि उन्हें आम जनता के साथ साथ मीडिया से भी संवाद स्थापित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कई बार होता है कि जब सोशल मीडिया में किसी जज की ऐसी बात या टिप्पणी सर्कुलेट होने लगती है जो उन्होंने कही भी नहीं होती, ऐसे में उनका जनता से बेहतर संवाद ही स्पष्टता को कायम रख पाने में सहायक हो सकता है। इस दिशा में सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक बड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया कि जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से न्यूज़लेटर जारी करने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे अलग अलग जजमेंट्स की सही और सटीक जानकारी जनता के बीच तक पहुंच पाएगी, जिससे कोई गलत सूचना या गलत बातों को फैलने से रोका जा सकेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।